अज आप जी गलबात करा आप सब तो पहलों पहले ग्रह तो चलते हैं जोड़ा कि सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब तो ज़्यादा सृष्टि इंपॉर्टेंट ग्रह है सूरज। सूरज ग्रह जोड़ा है यदि वजह करके सारी सृष्टि एनर्जी मिलती है। एक ऊर्जा का प्लैनेट भी कहा जाता है। ऊर्जा का मतलब शक्ति जिड़ी कि आदमी की मूवमेंट कंट्रोल करती है या इंसानी जो भी है हिसाब किताब वो तरक्की के उपर या वो प्रोग्रेस के उपर सूरज का पार्ट सब तो व्डा होंगे। जिस वक्त असं ये समझते किसी आदमी की कुंडली के नाल या ग्रहों की स्थिति वो जन्म से देखते हैं उस वक्त अस जो ग्राफ बनाने हैं वो ग्राफ जोड़ा एक 12 घर का एक चक्कर बन जाता। 12 घर का मतलब हों भी अर्थ जड़ी है एक गोल होने करके 360 डिग्री के एंगल होंगी है और अगर 12 खाने बनाए जा तो 30-30 डिग्री का एक खाना बन जाता। सो एक खाने असी एक राशि या एक घर संबंध करते हैं। जिस वक्त आदमी का जन्म हों उस वक्त असं ये देखते हैं कि वो किस घर के प्लैनेट पे है। जिदा कि आप अज गल कर रहे कि आप अज सूरज ग्रह के बारे करते हैं। सूरज ग्रह जोड़ा है यदि गर्मी की वजह करके दुनिया मिठास खटास बारिशा मौसम चेंज होना जो कुछ भी है इस प्लैनेट की वजह करके होंगे। तुसीं देखिया होगा कि सूरज जोड़ा है वो तकरीबन एक राशि के एक महीना रहता और पहला महीना जो पहले ही राशि आता वह महीना हों अप्रैल का 14 अप्रैल संबत बदलता उदन सूरज पहले घर आता। कहने का मतलब पहला घर जोड़ा हों सूरज का उच्चता घर हो जाता। सूरज जब भी उच्चता हो पहले घर आ जाए किसी का वो मैं थोड़े जे थानू विचार दसदा और वो अच्छे भाव की होंगे आदमी के। पहला घर हों आदमी की परसनैलिटी का आदमी की आउटलुक का। अगर उत्थे सूरज बैठा हो ऐसे आदमी अपने लाइफ के स्टेटस एक राजे वर्गा होंगे और लाइफ के बहुत कुछ अपना खुद अर्ज करते हैं खुद पैदा करते हैं। लेकिन कई बार जिंदगी उन्होंने अर्ली लाइफ जी होंगी है वो थोड़ी बहुत मेहनत की या गुलामी की या समय नौकरी पेशे की या किसी की सर्विस गुजारनी पैंती है। 19 साल की उम्र तो बाद सूरज जड़ा उत्ते उदय हो जाता हों। 19 साल की उम्र तो बाद हर आदमी की लाइफ एक रोशनी वाला दिन शुरू हों जड़ा कि सूरज की अपनी अवस्था तो शुरू हों। और जिदा दे पहले घर सूरज हो जन्म कुंडली वो बंदे अपने आप ही सब कुछ क्रिएट करते हैं और कोशिश उन्होंने होंगी है कि वो अपने अलावा अपनी जिदा उन्होंने स्टेटस एक कुनवे के हेड के तौर पर हो तो सारे कुनवा का प्रस्त कुनवा प्रस्त हों और कुनवे को पालना मित्र दोस्तों सबना का भला चाहता हों और ही वो जो है अपने परिवार के बाकी बंद कैरियर का मेकर भी हों। जरूरी नहीं हों कि पहले घर सूरज आदमी सर्विस करावे या कुछ करावे। कई बार बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी बना देता क्योंकि पहले घर या पहली राशि सूरज उच्चता हों। उच्चता सूरज का मतलब हों कि ऐसा बंदा परिवार के जिस परिवार से पैदा हो उस परिवार का नाम बहुत अगे लैके जाता हों। इस ग्रह का इत्थे बैठन करके आदमी की परसनैलिटी का असर जरूर अच्छा पैदा। लेकिन सूरज की हर ग्रह की एक सत्तवी दृष्टि होंगी है जिड़ी कि अपने तो सत्तवें घर 90 डिग्री से वो इफेक्ट करती होंगी है। सूरज जब भी पहले घर बैठा हो तो सत्तवें घर को मैलीफिक दृष्टि नाल देखता हों नीच नाल। तो पहले घर बैठा सूरज आदमी की गृहस्थी थोड़ी जी प्रॉब्लम क्रिएट करता हों और ये सब तो जरूरी जड़ा इंसान को करना चाहिए उन्होंने कित भी गर्मी हो तपश होते कोशिश होंगी है आदमी यही डिजायर करता कि बरसात हो जाए या ठंडी मौसम हो जाए या कोई थोड़ा जहा वातावरण ऐसा हो जिते गर्मी की लू तो बचा जाए।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਵਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਈਫ ਮੀਨਸ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਕਸ ਦਾ। ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਔਰਤ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਸੂਰਜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਚਾਰ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉੱਚਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਦਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਲਡਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੈਲੀਫਿਕ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।